हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो सबसे पहले थैंक यू सो मच. मेरे हमारे एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छा कमेंट किया है कि आप जो हैं स्टार्टिंग की इंट्रो बहुत अच्छे से देती हैं. सो थैंक यू सो मच. और आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है हजरत इमाम सज्जाद. वो लाइट हमारी पड़ रही है ना, वैसे लाइट नहीं पड़ रही है, नीचे भी लिखा हुआ है. अच्छा नहीं, वैसे ऊपर का भी दिख ही रहा है. हजरत इमाम सज्जाद एज हिस्ट्री, हजरत एस, सो हजरत इमाम सज्जाद एस, सो अलैहि सलाम, है ना. हजरत इमाम सज्जाद, तो इनके बारे में हमने नहीं सुना है अभी तक. अली एंड ये वीडियो हुसैन जैन हमें इंस्टाग्राम पे लिंक आया है, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे भी एक मिनट में बोल देना चाह रहे थे. ये लिंक तो पूरा इंस्टाग्राम से लिया मैंने. सो ये वीडियो देखते हैं, इमाम सज्जद के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं. हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आती हैं कि मेहरबान अली के चैनल से वीडियो बनाओ. आई थिंक बहुत कमाल का वो मतलब बताते हैं, एक एक चीज है ना, जिस तरह से वो करते हैं पूरा डीपली. क्योंकि हमने पीछे भी देखी हजरत अली की शहादत की वीडियो ना, तो वो भी उन्हीं की थी. बाकी और भी देख के आएंगे हम. मेक श्योर सब्सक्राइब किए नहीं है तो प्लीज 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 करें. सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehriban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. बचपन में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये देखते थे कि जमाने वाले उनके बाबा अली और उनकी वालदा बीबी फातिमा जहरा से कितना बुग्ज रखते हैं, तो इमाम हुसैन ने अपने आप से वादा कर लिया कि अल्लाह ने मुझे अगर हजारों बेटे अता किए तो तमाम बेटों का नाम मैं अली रखूंगा, और अगर हजार बेटियां आता की तो हजारों बेटियों का नाम फातिमा रखूंगा. इमाम हुसैन ने ऐसा ही किया. अल्लाह ने इमाम हुसैन को तीन बेटे इनायत किए और तीन बेटियां. उनके नाम नवासाए रसूल ने ये रखे, अली. उसके बाद दूसरे बेटे का नाम अली अकबर, तीसरे बेटे का नाम अली असगर, और बेटियों के नाम फातिमा कुबरा, फातिमा सुगरा और फातिमा सकीना. जब ईरान फतेह हुआ तो ईरान के राजा यज़दगिर्द की एक बेटी थी जिसका नाम शाह जमन था. वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल और शख्सियत से काफी मुतासिर थी. उन्होंने अपनी ख्वाहिश को आशना किया कि मेरी शादी नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन से की जाए. तो सन 37 हिजरी में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बीबी शाह जमन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निकाह किया. निकाह के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो उन्हें शहरबानो कह के बुलाएं, तो तब से आपकी शख्सियत बीबी शहरबानो के नाम से पूरी दुनिया में याद की जाती है. तारीख ने लिखा कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा इज्जत किया करती थी. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ बैठते थे तो आप उनके कदमों में बैठा करती थी. दूसरी औरतें कहती थी कि आप तो ईरान के बादशाह की बेटी हैं और इमाम हुसैन की बीवी हैं, आप साथ क्यों नहीं बैठती? तो आप फरमाती थी, इमाम हुसैन नवासाए रसूल हैं, फातिमा जहरा के बेटे हैं, मैं उनकी कनीज हूँ. बिलाखिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के 27 साल बाद 4 जनवरी 659 ईस्वी 5 शाबान 38 हिजरी मदीने पाक में इमाम हुसैन और बीबी शहरबानों को अल्लाह ने एक बेटा अता किया और उसका नाम इमाम हुसैन ने इमाम अली की जिंदगी में. ये मैंने देखा ही नहीं, ध्यान में नहीं हुआ बिल्कुल भी. अच्छा भी. तो ये बात कर रही है इमाम हुसैन की, है ना. हाँ, इमाम अली के बेटे और फातिमा के बेटे, हजरत अली के बेटे. इमाम हुसैन की बात करी जा रही है, इमाम हुसैन की. अच्छा, तो इमाम सज्जाद उनका नाम है, मतलब शायद वो हो सकते हैं इमाम सज्जाद. अभी नेटवर्क नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं चलेगा, सो देखते हैं. बाकी हिस्ट्री होने वाली इनकी, आई थिंक, है ना. इनके तीन बेटे हुए और तीन बेटियां अता किया. मदीने पाक में इमाम हुसैन और बीबी शहरबानों को अल्लाह ने एक बेटा अता किया और उसका नाम इमाम हुसैन ने इमाम अली की जिंदगी में. यार दिक्कत आ रही है, प्लीज आप लोग जो है माइंड मत करना इस चीज को, क्योंकि हम भी क्या कर सकते हैं इसमें, नेट नहीं चल रहा है. साइंटिस्ट ये तो भी सेम है यार, मतलब
में ही अली रख दिया। जैसे ही आपकी आमद हुई तो सबसे पहले इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैह सलाम ने आपको अपनी गोद में लिया और ज़ारो कतार रोने लगे। इमाम हुसैन ने पूछा, बाबा जान आप रो क्यों रहे हैं? इमाम अली ने कहा, ऐ हुसैन, तुम्हारे कत्ल के बाद इस मेरे पोते को बहुत तकलीफें सहनी पड़ेंगी। यही कूफा होगा जहाँ ये कैद करके लाया जाएगा, इसको पत्थर मारे जाएंगे। और ये अकेला नहीं, हुसैन तुम्हारी बहनें, माएं और बेटियां भी साथ होंगी और ये कदम कदम पे खून के आंसू रोएगा ताकि दीन इस्लाम जिंदा रह सके। आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 3 साल की जब हुई तो हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैह सलाम को मस्जिद कूफा में शहीद कर दिया गया। आप जनाब अब्बास से तकरीबन 12 साल छोटे थे। नहायत ही नफीज और बा अदब और इबादत में मसरूफ और मशगूल रहते थे। आपके अखलाक का आलम ये था कि एक मरतबा दस्तरखान पे आप अपनी वालदा के साथ खाना खा रहे थे। खाना खाते भी थे और अपनी वालदा के मुबारक चेहरे को देखते भी थे तो आपकी वालदा बीबी शहरबानो ने कहा, मेरे प्यारे बेटे मुझे बार बार देख क्यों रहे हो? तो इमाम सज्जाद ने कहा, मैं आपको देख इसलिए रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप किसी चीज को देखें और आप इमाम सज्जाद हैं इमाम हुसैन के बेटे। अरे बेटे मुझे बार बार देख क्यों रहे हो? तो इमाम सज्जाद ने कहा, मैं आपको देख इसलिए रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप किसी चीज को देखें और आपसे पहले वो चीज मैं उठा लूं। जो चीज मेरी माँ नहीं खाएगी वो चीज उसका बेटा सज्जाद खाएगा। बचपन से ही ज्यादा इबादत करने की वजह से आपकी पेशानी पे सजदे का निशान वाजे नजर आने लगा। आप पूरी पूरी रात सजदे में गुजारते थे। एक मरतबा आपकी वालदा करीब आके सुनने लगी तो आप सजदे में थे और आपके लबों पे ये सदा थी, ऐ अल्लाह ये मिस्कीन तेरे दर पे आया है, ऐ अल्लाह ये फकीर तेरे दर पे आया है, ऐ अल्लाह ये कमज़ोर तेरे दर पे आया है। आपकी वालदा हैरान हो गई कि ये 4 साल का बच्चा ऐसे तड़प के अल्लाह की इबादत कर रहा है और यूँ आपका नाम आबिद पड़ गया। बचपन से ही दुखों और तकलीफों को सहते सहते जब जमाना बुलूगियत तक आप पहुँचे तो सादात का मदीने में रहना महाल हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहल अयाल को साथ लेकर मक्के से होकर कर्बला के लिए सफर कर दिया। रस्ते में जब इमाम सज्जाद तक मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर पहुँची तो इमाम सज्जाद को जलाल आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम सज्जाद के कंधों पे हाथ रख के कहा, सज्जाद तुम्हारा इम्तिहान ये नहीं बल्कि तुम्हारा इम्तिहान तो मुझसे भी सख्त है। मेरी शहादत के बाद तुम्हें अपनी माओ बहनों के साथ कैद कर दिया जाएगा, तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे, बागी का बेटा बुलाया जाएगा, तुम्हें कदम कदम पे तमाम सदमात बर्दाश्त करने हैं। अपने नाना के दीन को, अपने बाबा की शराफत और दादा की सदाकत को बयान करना है। इमाम सज्जाद ये सुनकर दिन ब दिन अलील होते रहे, यहाँ तक कि जब आप कर्बला में पहुंचे तो आप बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। बस वो दिन आ गया जब हर एक शहीद इस्लाम पर कुर्बान हो रहा था। इमाम हुसैन के सब साथी इस्लाम पर कुर्बान हो गए। जनाब अब्बास ना रहे, अली अकबर ना रहे, शहजादाए कासिम ना रहे, अली असगर भी ना रहे, बस इमाम हुसैन अपने बेटे अली ज़ैनुल आबदीन के खेमे में आते हैं और कहते हैं, सज्जाद अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम सज्जाद ने कहा, बाबा आपका जिस्म खून में रंगीन क्यों है? इमाम हुसैन ने कहा, सुबह से लेके अब तक एक एक शहीद के लाश उठा उठा के तेरा बाबा गरीब हो गया। इमाम सज्जाद ने कहा, चचा अब्बास। इमाम हुसैन ने कहा, वो नहर किनारे सो रहे हैं। अली अकबर अली असगर से लेके हर एक अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो गया। इमाम सज्जाद अलैहि सलाम ने अर्ज किया, बाबा मुझे एक छड़ी और एक तलवार दे दो। इमाम हुसैन ने कहा, क्यों मेरे बेटे? इमाम सज्जाद ने कहा, बाबा मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, तुम्हारा इम्तिहान ये नहीं, मेरी शहादत के बाद तुम जानो, ये बीबियाँ जाने। सज्जाद अपने नाना की सदाकत को बयान करते रहना, सज्जाद इस्लाम के परचम को कभी झुकने नहीं देना। बस
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में गए और कहा, मैं वही हुसैन हूँ जिनके लब रसूल अल्लाह चूमा करते थे, मैं वही हुसैन हूँ जो जन्नत का सरदार हुजूर पाक फरमाते थे, मैं वही हुसैन हूँ जिनको कंधों पे सवार करके रसूल अल्लाह दिखाते थे। लेकिन अफसोस, कोई तीर मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई भाले मारता है, कोई नेजे मारता है। तारीख ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था, वो करबला की गरब रेत उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है। बस नवासाए रसूल जब घोड़े की जीन से जमीन पे आया, फौजे यजीद में खुशी का माहौल बरपा हो गया। ये मंजर एक बहन देख रही थी। बीबी ज़ैनब रो के अपने भतीजे सज्जाद के खेमे में आई और कहने लगी, सज्जाद उठो, बेटा तुम्हारा बाबा कत्ल हो रहा है। बस खेमा एक तरफ से उठना था, इमाम सज्जाद बिस्तरे बीमारी से देखते हैं शिमर इमाम हुसैन के मुबारक गले पे छुरी रख के कत्ल कर रहा है। आसमान का रंग सुर्ख हो गया, जमीन तड़पने लगी, कायनात का जर्रा जर्रा नबी के लाल पे सोगवार है। इमाम सज्जाद ने जब ये मंजर देखा तो कहीं कयामत ना आ जाए, फौरन सजदाए शुक्र में गए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र किया कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जमीन पैदा की, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने आसमान पैदा किया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मोहम्मद व आले मोहम्मद को सुरखरू किया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इस अजीब इम्तिहान के लिए चुना। खयाम जलते रहे, बीबियां भी पर्दा हो गईं, लेकिन इमाम सज्जाद सजदाए शुक्र में मुसलसल अल्लाह की नेमतों का शुक्र किए जा रहे थे। बस पूरी शाम गरीबा सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबदीन सजदाए शुक्र में रहे। सुबह ताजियाना लेके शिमर आता है और ताजियानों के साथ इमाम सज्जाद को सजदे से उठाता है और कहता है, ये जंजीरें पहन लो, यजीद का हुक्म आया है कि तुम्हें और तुम्हारी बहनों फुफियों को कैद करके शाम लेके जाना है और बस नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कैदी बना के कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। इमाम सज्जाद गले में तौक, पाँव में पेड़ियाँ और हाथ जंजीरों से बंधे कैदी होके चल रहे हैं। नजरें उठाए तो देखे आगे अपने खानदान के तमाम मर्दों के सर नेजों पे सवार है और अगर पीछे देखे तो अपने खानदान की तमाम औरतें कैदी बन के आ रही है और बीच में साबिर इमाम अली इब्नुल हुसैन खून के आंसू रो रो के चल रहे हैं। बीमार करबला अगर कहीं गिर जाता था तो शिमर ताजियाना लेके मारता था और कहता था, जल्दी चलो ताकि जल्द से जल्द ये खुशखबरी दरबार यजीद तक पहुंचे और मैं इनाम ले सकूं। हजारों मील का सफर तय करके शाम की तरफ बढ़ते रहे। ऊंटों के ऊपर अम्मारियां नहीं थी और उसी वजह से मुख्तलिफ जगहों पे रसूल अल्लाह के खानदान के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो गिरते गए। तारीख ने लिखा 64 बच्चे या उससे भी ज्यादा। जो बच्चा गिरता था वो ऊंटों और घोड़ों की टापों के बीच में मर जाता था। बस ये तकलीफें सह सह के जब आले रसूल शाम तक पहुँचे तो यजीद ने कहा, मोहम्मद के घराने को ठहराए रखो, मैं अपना दरबार सजा लूं, मैं अपना शहर शाम सजा लूं। आले रसूल को पता होना चाहिए कि मैं कितना बड़ा बादशाह हूं। पूरे शहर को सजाया गया। 3 दिन तक रसूल की बेटियों को शहर के बाहर ठहराया गया। यजीद ने यह ऐलान कराया कि जिस तरह से ईद के दिन नए कपड़े पहनते हो, आज नए कपड़े पहनो, क्योंकि बागी को मैंने कत्ल कर दिया और उनके खानदान को मैंने दरबदर फिरा दिया। बस जब नबी की बेटियां और इमाम और सज्जाद शाम में दाखिल होते हैं, हर चौक पे लोग पत्थर मार के उनका इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि ये है हुसैन बागी की बहनें, ये है हुसैन बागी का बेटा, ये है हुसैन बागी का खानदान। यजीद अपने महल में सुकून और आराम के साथ बैठा था और इंतजार कर रहा था कि नबी की नवासियां आएं और मैं इनको अपना दबदबा मर्तबा दिखाऊं और बताऊं कि मैं कौन हूं। जब आले रसूल कैद होके दरबदर फिर के दरबार यजीद में पहुंचते हैं, सामने कटा हुआ सर इमाम हुसैन का आता है। यजीद हाथ में छड़ी लेके इमाम हुसैन के मुबारक लबों पे फेरता है,
और कहता है कि ऐ हुसैन, देख मैंने बद्र ओहद का किस तरह से बदला ले लिया। काश आज मेरे दादा पर दादा जिंदा होते, उनको मैं बताता कि मैंने मोहम्मद और उसके खानदान का क्या सलूक कर दिया। कितनी इज्जत अल्लाह ने मुझे नवाजी है, कितनी ताकत मुझे अल्लाह ने नवाजी है, कितना मर्तबा मुझे अल्लाह ने दिया है। बस ये कहना था तो इमाम सज्जाद ने कहा, ऐ दौलत के नशे में अपनी आंखों को बंद करने वाले बादशाह, मुझे भी मौका दे ताकि मैं भी अपना तारुफ कराऊं। लोगों ने कहा, यजीद ये बीमार कांप रहा है, ये तुम्हारे सामने क्या कहेगा, इसे भी कहो अपने बारे में बताए। तो बस इमाम सज्जाद कहते हैं, मैं वो बेटा हूँ जिसके बाप को बेजुर्म खता 3 दिन का प्यासा रखा गया। मैं वो बेटा हूँ जिसके बाप के सर से अमामा उतार के उनका सर मेरी आंखों के सामने काटा गया। मैं वो बेटा हूँ जिसके बाप के कपड़े उतार कर उसकी लाश पे घोड़ों को दौड़ाया गया। मैं वो बेटा हूँ जिसकी पुप्पियों को बहनों को बेपर्दा करके फिराया गया। बस इन अल्फाज में इतना दर्द था कि दरबारी सारे रोने लगे। यजीद के मुशीर ने कहा कि अगर सज्जाद ज्यादा खुतबा देगा तो दरबार का रंग तब्दील हो जाएगा, इस खुतबे को बंद कराने के लिए अजाने दो ताकि सज्जाद खामोश हो जाए। बस जैसे ही अजान का आना था, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं का गूंजना था, इमाम सज्जाद ने कहा, बताओ ये दीन किसने दिया, तुम्हारे नाना ने या मेरे नाना ने? बताओ ये ला इलाहा इल्लल्लाह किसने बताया, तुम्हारे नाना ने या मेरे नाना ने? बस जब अजान देने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचा तो इमाम सज्जाद रो के कहने लगे, जो मोहम्मद अल्लाह का रसूल है ये उन्हीं की बेटियां है जो कैदी होके तेरे दरबार में आई है। जो मोहम्मद अल्लाह का रसूल है उसी का खून मेरे रगों में बहता है। बस ये सुनना था, दरबार में बगावत हो गई, सब यजीद को अजीब निगाहों से देखने लगे। यजीद ने फौरन हुक्म दिया कि इनको कैद कर दो और आले नबी को कैद कर दिया गया। तारीख ने लिखा, तकरीबन 2 साल 6 माह तक यजीद ने आले रसूल को कैद किया हुआ था। जब बगावत हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो यजीद के मुशीरों ने यजीद को कहा कि जो तुम्हें करना था तुम कर चुके, अब आले रसूल को कैद करा के लोगों की नफरत अपने लिए ज्यादा क्यों बना रहे हो, बस इन बीबियों को आजाद कर दो ताकि जो जो लोग तुमसे नफरत कर रहे हैं उनका गुस्सा कुछ ठंडा हो सके। रसूल अल्लाह की बेटियों को इमाम सज्जाद के साथ रिहा कर दिया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम शहदा के सर लेके पहले कर्बला गए और कर्बला के शहीदों के सर को तदफीन किया और फिर मदीने की तरफ रवा हुए। सबसे पहले अपने नाना रसूल अल्लाह के रोजे पे आए और बीबी जैनब और इमाम सज्जाद जारो कतार रोने लगे। हर एक हाल अपने नाना को बताया कि किस तरह वो बाजार गए, किस तरह इमाम हुसैन शहीद हुए। तारीख ने लिखा, करबला के बाद 35 साल की जिंदगी में इमाम सज्जाद कभी मुस्कुराए नहीं। जब भी खाना आता था खाना देख के रोते थे, पानी आता था पानी देख के रोते थे, कोई बाजार जाता था इमाम तब भी रोते थे, अगर बाजार का नाम आता था इमाम तब भी रोते थे। और अपने आप को इबादत में मसरूफ व मशगूल कर दिया, दिन रात इबादत करते रहे और ला तादाद दुआएं इमाम सज्जाद से सहीफ़ा सज्जादिया में मंसूब हैं। और उनके साथ साथ आप गुलाम खरीद किया करते थे और उनकी अच्छी परवरिश करके उन्हें आज़ाद किया करते थे। इमाम सज्जाद आधी रात को वो रोटियां अनाज लेके काफी घरों में पहुंचाया करते थे, यहाँ तक कि घर वालों को भी पता नहीं होता था कि ये रिस्क हिलाल किसने भेजा है। पूरी जिंदगी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे। बिलाखिर वलीद इब्ने अब्दुल मलिक ने आपको जहर दिया और आप दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। जब आपका मुबारक जनाजा घर से निकला तो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जारो कतार रोने लगे। लोगों ने कहा, ऐ नवासा रसूल, शहादत तो आपका विरसा है, इतना गिरिया कर रहे हैं। तो इमाम मोहम्मद बाकर ने कहा, मैं अपने बाबा की शहादत पे नहीं बल्कि इस बात पे रो रहा हूँ कि ये मोहम्मद व आले मोहम्मद के घर का पहला जनाजा है जो इतनी शान से निकला है। रसूल अल्लाह के जनाजे पे लोग ही नहीं थे, मेरे दादा अली और दादी फातिमा का जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया। दादा हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश हुई
तो मेरे दादा हुसैन का तो जनाजा ही नहीं हुआ। आज पहली मर्तबा मोहम्मद के घराने का जनाजा इतनी शान से उठा है और आपके बेटे इमाम मोहम्मद बाकर ने 25 मुहर्रम 95 हिजरी को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पहलू में आपको तदफीन कर दिया। सलाम हो जैनुल आबदीन सैयदुल साजदीन इमाम अली इब्नुल हुसैन पर। अली इब्नुल हुसैन हमारे यहाँ मुफलिसी और गुरबत का सबसे बड़ा सबब कम इल्मी है, क्योंकि हमारे गांव देहात में हमारे लोग सारा सारा दिन मतलब हमने आज पूरी स्टोरी सुनी है कि कैसे कैसे क्या हुआ हाँ, था ना। बहुत कमाल जैसे पहले तो इनको मतलब एक शाउटआउट मिलता है मेहरबान अली को, जिन्होंने मतलब इतना कमाल का एक्सप्लेन करा हुआ है ना कि छोटी छोटी चीज भी बारीकी भी समझ आ गई। पूरा पहला जनाजा था जो शान से उठा था, मतलब ये बुरी बात भी है, अच्छी बात भी ये है क्योंकि मैक्सिमम जो भी सारे माना प्रॉफिट मोहम्मद जी के खानदान से थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, उनको मतलब कत्ल करा गया, लेकिन उनके साथ जो था पहली बार उनका जनाजा उठाया जो भी अब्दुल मलिक ने उनको जहर दिया उसकी वजह से ही। एंड मतलब शुरू से लेकर जो भी उन्होंने बताया है वो हम सबको कहने के पता था, लेकिन पूरी अजय ने बता दी कि यहाँ से ये इनके बेटे थे, ये इनके नाना थे, ये इनके दादा थे, है ना, हर तरीके से बताया है। और जहाँ पे 2 साल तक उनको मतलब कैद रखा गया, फिर उनको छोड़ा तब गया कि जब लोगों ने कहा कि उनके अपने उन्होंने एक कहा मतलब जो भी उनके वहाँ थे पार्लियामेंट के बंदे थे जो उन्होंने कहा कि इतनी नफरत भर गई लोगों ने, तो ज्यादा अजीब मेरे को किस्सा वो लगा डर वाला जहाँ मतलब थोड़ा दर्दनाक वाला जहाँ पे सर उनके ना सर जो भी शहीद हुए थे ना जिनके सर जो डंडे पैसे लेके जा रहे थे और इमाम हुसैन का सर वो सोच के कुछ हो रहा है कि कैसे किया होगा ये सब उन्होंने, तो बहुत दर्दनाक था। लेकिन जो भी है बहुत हिम्मत वाले थे ये सारे के सारे, है ना, प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से ना अपने मतलब तीन को बचाने के लिए उन्होंने मतलब खुद पे इतनी तुलम सही है सभी ने, है ना। सो ये थी हजरत इमाम सज्जाद की कहानी और डॉक्यूमेंट्री, और इसमें ही पूरा हमें पता लग गया हजरत इमाम हुसैन के बारे में, पूरा का पूरा पता लग गया, है ना, कि कैसे कैसे क्या हुआ था ना। सो अभी और भी हैं जिनके बारे में हमें जानना है, पूरा एक एक ब्रीफ करना है पता, ये पूरा क्लियर हो गया। तो बहुत कमाल का काम किया था मेहरबान अली ने, बहुत कमाल की वीडियो बनाई है, तभी आप सभी सजेस्ट करते हो कि मेहरबान अली की वीडियो करिए, तो उनको देखिए, सो दैट क्लियर हो जाता सब कुछ, है ना। सो बाकी ये जो वीडियो जो कमियां रहती हैं हमारे में रिएक्शन में, कुछ चीज़ें आपको लगती है कि नहीं बताई है वो हमें ज़रूर बता दीजिए, अगर ये बता दिया कीजिए। सो बाकी फिलहाल से वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।